फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर माय बर्थडे एंड मराठी फिल्म है ये और ऑलमोस्ट इसमें सारे बिग आर्टिस्ट हैं और ये रिलीज़ हो रही है 4 अगस्त को, जो कि एक इसमें क्या है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो अमेरिका रिटर्न लड़की का है, तो पूरी फिल्म में इट्स नॉट लाइक दैट कि मराठी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी मराठी और हिंदी मिक्स वाली है और पूरी फिल्म है वो थोड़ी कॉमेडी और थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी फैमिलियर, मतलब सारी चीज़ें इसमें। ये बहुत प्राउड की बात है और महाराष्ट्र में आकर के हमेशा जय महाराष्ट्र तो ऑलवेज इट्स प्राउड। हाँ, मैंने अभी जस्ट 5 फिल्में साइन की हैं बैक टू बैक, जिसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अरविंद कुमार, जो ऑलरेडी जिनकी फिल्म आ रही है सल्लू की शादी और लव इन हेवन, इन सब फिल्मों में मैं भी हूँ, कुछ इनकी फिल्म में हैं। और इनकी जो सबसे अभी सबसे अच्छी और बिग बजट की फिल्म है दिल जो मिल ना सका, इसमें मैं मेन लीड कर रही हूँ। इसकी सारी फिल्म की शूटिंग हम पेरिस करने वाले हैं। किरदार ऑलमोस्ट क्या होता है, एक कभी रोमांस होता है, कभी थ्रिलर होता है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट्स होते हैं। योगा मैं बचपन से करती हूँ और मैं योगा के लिए हमेशा से सबको प्रेरित करती हूँ कि योगा करना चाहिए। और योगा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें नहीं, हमारे आसपास की चीज़ों में, लोगों में पॉजिटिविटी लाती है। सो योगा इज़ द वेरी बेस्ट थिंग फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड, फॉर एवरीथिंग, फॉर रिलैक्सिंग देन ऑल। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मोदी जी, आज योगा इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा हो चुका है। सो इसको मोदी जी, रामदेव बाबा, इन लोग जैसे लोग अगर जा के दूसरी कंट्री में अगर सपोर्ट कर रहे हैं कि योगा करो, तो मेरे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे इनवाइट किया गया है बीजेपी ओवरसीज फ्रेंडशिप से कि मैं जाकर के योगा सिखाऊं दूसरे कंट्रीज़ में। और मतलब मोदी जी के प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि उनके साथ भी फ्यूचर में कभी मैं खुद योगा करूं अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर। हाँ, मैं अभी यूक्रेन जाने वाली हूं और यूक्रेन के नेशनल यूनिवर्सिटी से, कीव से मुझे ये लेटर मिला है कि मैं वहां जाकर योगा सिखाऊं। ऑलरेडी मैं कर चुकी हूं वहां पे एक बार। एक्चुअली ना योगा हर एज के लिए ना ऐसा नहीं है कि एक सेम योगा होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, स्पेशली फॉर लेडीज़, उनके लिए दूसरे टाइप की योगा है, जो कि लोग एक्चुअली इसको गलत वे में, एक्सरसाइज और योगा में लोग डिफरेंस नहीं समझते हैं। योगा इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट थिंग एंड जिम इज़ डिफरेंट थिंग। सबको अगर आप मिक्स कर देंगे तो यू कान डू योगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा फर्स्टली जो मेंटल लेवल होता है वो रिलैक्स होता है, उसके बाद आप हर्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपको, बॉडी आपकी नर्व्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से बॉडी में मूवमेंट्स करते हैं, आपको ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको मतलब कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। योगा इज़ डिफरेंट थिंग, जिम इज़ डिफरेंट। जिम से क्या होता है, बॉडी जाम हो जाती है, प्रोटीन लेना पड़ता है, बट योगा एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को हमेशा फ्लेक्सिबल करती है और इसमें सबसे ज़्यादा मेंटली आप अच्छा फील करते हैं। मेरे एस्पिरेशंस और थॉट्स एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं, टू मेक एन एम्बिशन एंड देन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्सन हु डे स्ट्राइव्स फॉर इट इज की टू सक्सेस। अपनी लाइफ में जो भी एम्बिशन है उस पर इतने आत्मविश्वास, इतनी मेहनत से फोकस करो कि एक दिन आपको उसी चीज़ की वजह से फ्यूचर में कुछ मिले और वो आपकी चाहत पूरी हो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, इंडस्ट्री अपने तरीके से बात करती है, पॉलिटिशियन अपने तरीके से बात करती है, तो इन दोनों के बीच में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि सलमान खान ने सही कहा? नहीं, मुझे क्या पता सलमान ने सही कहा या किसी नेता ने सही कहा, एक्चुअली दोनों अपनी जगह सही होते हैं। मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे हर किरदार के साथ फिट रहना ज़रूरी है। आप सब आए हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन है और क्या चाहिए। योगा की बात करें तो दो कुछ कपाल भारती करके दिखाएंगे या कुछ भी अभी टीच करते हैं। देखिए हाँ, मैं इसके लिए आपको स्पेशली ना अलग डे पे आना पड़ेगा जब मैं योगा स्पेशली करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी ड्रेसिंग नहीं है वैसी, मेरे बर्थडे के मूड में हूँ, मैं डांस करने वाली हूँ, तो मैं अभी योगा कैसे कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।